सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई में अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं यानी कि रीचेकिंग के बारे में और फोटो कॉपी कैसे पाते हैं इसके बारे में और री इवेलुएशन ऑफ मार्क्स के बारे में। ये जो नोटिस है ये 14 जुलाई को ये रिलीज किया गया था और ये क्लास 12th वालों के लिए होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, क्या फीस होता है, क्या डेट है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्त, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो पहला है कि आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, जिसका मतलब होता है रीचेकिंग, यानी कि आप मार्क्स को रीचेक अपने कॉपी करा करके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ द इवेलुएटेड आंसर बुक, ठीक है। और तीसरा इसमें है री इवेलुएशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। और इसका डेट वगैरह भी यहाँ नीचे लास्ट में दिया है, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले गाइडलाइन देख लेते हैं हम लोग। पहले में लिखा है कि रिक्वेस्टेड फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, यानी कि ये तीनों प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है थ्रो बोर्ड्स वेबसाइट www.cbse.nic.in, यानी कि सीबीएसई की वेबसाइट पे ही ये प्रोसेस ऑनलाइन आपका एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल्स अलोंग विथ प्रोसेसिंग चार्ज, कुछ चार्जेज भी लगेंगे, उनको भी आपको देना होगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर शेड्यूल एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं ये ऑफलाइन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पहले वाले में इन्होंने बता दिया, दूसरे वाले में कहा है कि द प्रोसेसिंग चार्ज कैन बी ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग, प्रोसेसिंग चार्ज शैल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन। इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो आपका प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो ऑफलाइन जमा नहीं होगा, यानी कि अगर आप ऑर्डर या डीडी या एम मनी ऑर्डर या चेक कैश इस तरीके का देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी करस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट, यानी कि अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं या ऑफलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर ईच स्टेप विल बी एक्सेप्टेड इन ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस में भी आपको एक स्टेप में ही जो भी भरना होगा वो भरना होगा, एक बार ही जो पहला स्टेप एक बार भरेंगे उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ इसी में लिखा है चौथे पॉइंट में कि कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन द एडवांस वेदर ही और सी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में भरना है कि मेनी सब्जेक्ट में भरना है ये पहले ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि एक बार ही ये फॉर्म सबमिट होगा, दोबारा अगर आप करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है कि बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉज टू द कैंडिडेट कंसिक्वेंट टू द रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन कम्युनिकेशन फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल, यानी कि इनका पांचवा पॉइंट में ये कहना है कि अगर किसी तरीके का लॉस वगैरह होता है या मान लीजिए कि जो डेट इन्होंने बताया है कि इतने डेट तक रिलीज हो जाएगा आपका मार्क्स, तो अगर नहीं होता है तो इसमें कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, सीबीएसई का इसमें कोई रोल नहीं होगा। छठे पॉइंट में कहा है कि डिक्रीज इवन बाई वन मार्क्स शैल बी एफेक्टेड, इनकी इनके कहने का मतलब है कि अगर एक मार्क्स भी अगर आपका कम होता है तो वो इफेक्ट करेगा आपके मार्क्सशीट को। सातवें पॉइंट में कहना है कि इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्क्सशीट विच इज इन देयर पोजिशन देयर आफ्टर दे शैल बी इशूड अ न्यू मार्क्सशीट आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन एंड री एवेलुएशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। इनका सातवें पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मार्क्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज और डिक्रीज मार्क्स ही आपके मेन मार्क्स माना जाएगा और जो पुराना मार्क्स है उसको सरेंडर कर लिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा है कि अगर आपका मार्क्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसको उसी को फाइनल मार्क्स मान करके उसको मतलब कि रीलोड किया जाएगा, जो पुराना मार्क्सशीट है उसको सरेंडर कर लिया जाएगा। आठवें पॉइंट में कहा है कि इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन और इवेल्युएशन कैंडिडेट नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर अपेयरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2020। आठवें पॉइंट में इनका कहना है कि अगर कोई मतलब कि कैंडिडेट
वेरिफिकेशन के लिए भरता है और उसके बाद अगर उसका एग्ज़ाम कंपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको फिर से अलग से एक फॉर्म भरना होगा कंपार्टमेंट के लिए। नौवें पॉइंट में कहा है कि प्रोसेसिंग चार्ज आर नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो भी आप प्रोसेसिंग चार्ज देंगे वो रिफंडेबल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो भी यहाँ गाइडलाइन जारी किया है, ये पॉइंट बताया गया है, तो ये तीनों पॉइंट को करने से पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम चलिए जानते हैं। तो इन्होंने इसमें हम लोगों ने जान लिया कि चार्ज वगैरह क्या देना है और अगर नंबर बढ़ता है या घटता है तो वही माना जाएगा आखिरी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पहला इन्होंने ए लिखा है कि शेड्यूल इज़ गिवन इन एनेक्सियोर ए। एनेक्सियोर ए अभी नीचे है दोस्त, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज इज़ 500 पर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं, यानी कि रीचेक के लिए अप्लाई करते हैं, तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट देने होंगे। बी पॉइंट लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप डालते हैं तो किस तरीके से रिजल्ट वगैरह दिखाएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑन CBSE वेबसाइट। CBSE की वेबसाइट पे वेरिफिकेशन मार्क्स करके अपलोड किया जाएगा। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स और लेटर विल बी ऑल्सो बी सेंड टू द एप्लीकेंट बाई स्पीड पोस्ट और मेल बाई कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ CBSE। अगर किसी बच्चे का मार्क्स बढ़ जाता है उस केस में आपको एक स्पीड पोस्ट के द्वारा, आपको रीजनल ऑफिस के द्वारा आपको भेजा जाएगा वो मार्कशीट चेंज होता है। तो इन केस वेयर देयर इज़ नो चेंज ऑफ मार्क्स, नो लेटर विल बी सेंट बाई CBSE, हाउएवर इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। यानी कि अगर किसी केस में अगर आपका नंबर नहीं बढ़ता है तो आपको कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा, और ये नहीं बढ़ा है तो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। ठीक है, चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट। यानी कि वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए आप CBSE की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सी पॉइंट इन्होंने लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु विल बी अप्लाई फॉर वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कापी ऑफ आंसर बुक इन दैट और दोज सब्जेक्ट। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चा यहाँ पे वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो बच्चा अप्लाई करेगा वही ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ द इवेलुएटेड आंसर बुक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर आपने वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स कराए होंगे तभी फोटो कॉपी आपका कॉपी मिलेगा, अगर आप चाहेंगे तो इसका भी अलग से पैसा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम चलिए बात करते हैं कि इवेलुएशन के लिए एप्लीकेशन ऑफ ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी के लिए क्या प्रोसेस है। तो अगर आप फोटो कॉपी चाहते हैं किसी आंसर बुक का तो उसका प्रोसेस है, पहला है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन द मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अबव बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक। यानी कि इनका कहने का मतलब वही है कि अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया होगा तभी आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी में लिखा है कि प्रोसेसिंग चार्ज विल बी ₹700 पर सब्जेक्ट शेड्यूल इन गिवन। यानी कि ₹500 देने होंगे आपके इसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, और आप फोटो कॉपी उस सब्जेक्ट का चाहते हैं तो ₹700 अलग से देने होंगे। सी पॉइंट में लिखा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड एंड फी डिपोजिटेड शैल बी फॉरफिटेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। डी पॉइंट लिखा है कि फोटो कॉपी ऑफ द इवेलुएशन आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट लॉग इन अकाउंट आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर इवेलुएटर एंड अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन इवेलुएशन प्रोसेस ETC। यानी कि यहाँ पे डी पॉइंट में कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आंसर बुक आपके ईमेल आपके लॉग इन अकाउंट पर यह प्रोवाइड किया जाएगा सारी चीज़ें छिपा करके हाइड करके, यहाँ पे जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ एग्जामिनर यानी कि कौन आपका एग्ज़ाम लिया और किसने चेक किया और सारी जो डिटेल होती हैं ऑफिशियल हाइड करके ये भेजेंगे। ठीक है, ई पॉइंट लिखा है कि इफ़ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही सी विल बी हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर री एवेल्युएशन ऑफ मार्क्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप फोटो कॉपी के बाद किसी मार्क्स में चैलेंज करना चाहते हैं, री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स कहते हैं,
तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको इन दोनों प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी आप री इवेलुएसन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। री इवेलुएसन ऑफ मार्क्स का क्या प्रोसेस है यहाँ पे हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, इसमें पहला कहना है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाई फॉर द ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ द इवेलुएसन आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर री इवेलुएसन ऑफ री इवेलुएसन और चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चन। यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको चैलेंज करना है, CBSE को री इवेलुएट करना है उस मार्क्स में, तो आपको पहले इन दोनों प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से और ये फोटोकॉपी ऑफ बुक्स का। ठीक है, तो पहला प्रोसेस इन्होंने कह दिया है कि दोनों प्रोसेस से गुजरना होगा। रिक्वेस्ट फॉर री इवेलुएशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली द थियरी पोर्शन, यानी कि आप केवल थियरी पोर्शन के लिए ही चैलेंज कर सकते हैं और इसका 100 रुपये पर क्वेश्चन होगा। यानी कि अगर जो क्वेश्चन आपने दिया है, 10-12 क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, तो एक क्वेश्चन का 100 रुपये यहाँ फिर से देना होगा। यानी कि हम ओवरऑल देखें तो 500 रुपये आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, 700 रुपये आपको इसके लिए कॉपी प्राप्त करने के लिए फोटो कॉपी, और 100 रुपये किसी क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद क्वेश्चन पेपर, देयर आफ्टर कैंडिडेट कैन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर री इवेलुएसन इन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन विथ रीजनिंग। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी मार्क्स में, किसी क्वेश्चन में मार्क्स का अगर शेड्यूल नहीं जानते हैं तो CBSE की वेबसाइट पर है तो उसको आप देख लें, तभी आप किसी क्वेश्चन में चैलेंज करें। और रीजन होना चाहिए, अगर किसी नंबर बढ़ता है किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पे मतलब कि आपको रीजन भी, एक परफेक्ट रीजन लिखना होगा कि किस वजह से कटा है और यहाँ कटा है तो क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रीजन एक अच्छा खासा लिख करके देना होता है। डी पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि स्टेटस ऑफ रिवेल्युएसन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाई फॉर्मल लेटर बाई स्पीड पोस्ट। यानी कि जो री इवेलुएसन का जो मार्कशीट होगा अपलोड कर दिया जाएगा CBSE के द्वारा। ठीक है, ई पॉइंट जो है, नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द री इवेलुएसन वुड बी इंटरटेंड। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि इन केस ऑल द एबव थ्री एक्टिविटीज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। ये तीनों जो प्रोसेस है, ये जो अगर फॉलो होता है तो फाइन जो फॉलो होगा वही माना जाएगा। ठीक है ना, एनएक्सियोर जो है पहला ए है उसको हम देख लेते हैं। इसमें कुछ डेट वगैरह लिखे हैं कि अप्लाई डेट, यानी कि ये क्लास 12th का है दोस्त, तो 17 जुलाई से 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, जिसका 500 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। और ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक, अगर आप आंसर बुक का फोटो कॉपी चाहते हैं तो इसका जो सबमिशन होगा 1 अगस्त से 2 अगस्त तक 5 बजे तक। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मतलब कि वही बच्चे दे सकते हैं जो बच्चे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए दिए होंगे, वही बच्चे फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फोटो के लिए अप्लाई करने के लिए 700 रुपये पर सब्जेक्ट देने होंगे। और ये दोनों प्रोसेस करने के बाद अगर आप किसी क्वेश्चन में री इवेलुएसन चाहते हैं तो इसका जो डेट है 6 अगस्त से 7 अगस्त तक भर सकते हैं और इसका 100 रुपये पर क्वेश्चन होगा। ये पर सब्जेक्ट नहीं है दोस्त, पर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, पर शायद आपको पूरी जानकारी मिल गई है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।